अभी इस टाइम हम खड़े हुए हैं हर की पौड़ी के पास। आप देख सकते हैं ये काफ़ी शानदार नज़ारे हैं यहाँ के, काफ़ी पब्लिक है, काफ़ी लोग नहा भी रहे हैं और हम तो ऋषिकेश में ही नहा लिए थे, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको उत्तराखंड की इस ट्रिप में हमने अभी आपको मसूरी दिखाया था, ऋषिकेश दिखाया था और अभी हम आ चुके हैं हरिद्वार और यहाँ पे अभी हम हर की पौड़ी के गंगा घाट के बगल में चल रहे हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी और काफ़ी लोग देखिए स्नान भी कर रहे हैं और शाम के करीबन 6:30 बजे हैं और अभी हरिद्वार में सनसेट का टाइम भी हो रहा है तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। गाइज आपको बता दें कि ऋषिकेश से जब चले थे तो हरिद्वार पहुँचने में करीबन मुझे 1.5 घंटे लग गए क्योंकि उत्तराखंड के अंदर आपको जगह जगह पे काफ़ी जाम देखने को मिल सकेगा, इस वजह से टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। चलते चलते आपको हम हर की पौड़ी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। पैड़ी, पैड़ी का अर्थ होता है सीढ़ी। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तहरि ने यही तपस्या करके अमर पद पाया था। भर्तहरि की स्मृति में राजा विक्रमादित्य ने पहल यह कुंड तथा पौड़ियाँ यानी कि सीढ़ियाँ बनवाई थी। इनका नाम हर की पैड़ी इसी कारण पड़ गया था। यही हर की पैड़ी बोलचाल में हर की पौड़ी हो गया है। हर की पौड़ी हरिद्वार का मुख्य स्थान है, मुख्यतया यहीं स्नान करने के लिए लोग आते हैं। एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यहीं धरती पर भगवान विष्णु आए थे। धरती पर भगवान विष्णु के पैर पड़ने के कारण इस स्थान को हर की पैड़ी कहा गया जो बोलचाल में हर की पौड़ी बन गया। इसे हरिद्वार का हृदय स्थल भी माना जाता है। इसके साथ साथ ही हरिद्वार में घूमने के लिए आपको चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, माया देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, ऐसे बहुत सारे मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी बढ़िया जगह है, अगर आप हरिद्वार घूमना चाहते हैं, कभी नहीं आए हुए हैं तो ज़रूर यहाँ की ट्रिप बना सकते हैं और काफ़ी मज़ा आएगा। और गंगा का पानी आपको बता दें कि इतना ठंडा, इतना साफ है कि आपको दिख रहा होगा और काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पर नहाने के बाद। और सामने आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे हो रही है गंगा आरती। गंगा आरती जो कि हरिद्वार की काफ़ी स्पेशल मानी जाती है, इसको अटेंड करने के लिए लोग काफ़ी वेट करते हैं गंगा आरती में शामिल होने के लिए और यहाँ पे काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिलेगी चारों तरफ। और सबसे अच्छी बात आपको बता दें कि हर की पैड़ी से जब आप रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं वॉक करते हुए तो इस रास्ते में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, शॉपिंग करने के लिए शॉप, कपड़े, ज्वेलरी, कुछ भी अगर आपको परचेज करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और घर ले जाने के लिए आपको प्रसाद के साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो एक प्रकार से ये हरिद्वार की मार्केट आप कह सकते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं हर की पौड़ी से रेलवे स्टेशन की तरफ, काफ़ी भीड़ है, ट्रेन का भी टाइम हो गया मेरे। अभी हरिद्वार घूम के हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन और अभी हमने टिकट ले लिया है अपनी गाड़ी का जो कि देहरादून से वाराणसी तक चलती है, तो उसी जिस ट्रेन से हम आए थे उसी ट्रेन से वापस भी होने वाले हैं और अभी आधे घंटे में हमारी ट्रेन आ जाएगी स्टेशन पे। तो अभी हम खड़े हुए हैं, देख सकते हैं। और ये इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल पे अगर आप हमारे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे ही हमारी आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।